Each capacitor shown in figure has a capacitance of 5 microfarad. The EMF of battery is 50 volt. How much charge will flow through AB if the switch S is closed? स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तीन कैपेसिटर है, तीनों का कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफारड है, एक स्विच एस है जो कि अभी ओपन है, पहला कंडीशन है, और इस पूरे कॉम्बिनेशन को कनेक्ट किया हुआ है 50 वोल्ट सप्लाई के अक्रॉस, क्लियर है। दूसरा इसका सिचुएशन दिया जा रहा है कि भाई अब स्विच को हम क्लोज कर देते हैं, अभी यहाँ क्या है, स्विच ओपन है, अभी स्विच को हम क्लोज कर दिए, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये जो सेक्शन ए बी है, ये जो सेक्शन ए बी है, इस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो करेगा। क्लियर स्टूडेंट, पहले तो इस चीज को समझना होगा कि चार्ज फ्लो करेगा या नहीं करेगा। अच्छा, करेगा भी हो सकता है, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो पूछा जा सकता था भाई चार्ज ए से बी की तरफ फ्लो करेगा या बी से ए की तरफ फ्लो करेगा। तो पहले इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप ध्यान दीजिए तो बहुत ही आसान है, आप आसानी से निकाल सकते हैं, भाई ये दोनों कैपेसिटर आपका पैरेलल में है, 5 + 5, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 5 + 5, 10 माइक्रोफराड इक्विवेलेंट हो गया। अब ये 10 और ये 5, ठीक है, ये दो जो कैपेसिटर है ये सीरीज में है, क्लियर है, बहुत आसान है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हम सी लिखें स्टूडेंट, तो ये कितना हो जाएगा, 10 और 5 है सीरीज में है, तो C1 C2 10 × 5 / C1 + C2 ये हो जाएगा 50/15, और ये फाइनली आपका हो जाएगा 10/3 माइक्रोफराड, इतना माइक्रोफराड। कहने का स्टूडेंट सिंपल ये मतलब हुआ कि मान लिया अगर ये पॉइंट एक्स है, अगर ये पॉइंट वाई है, तो अब इस पूरे कॉम्बिनेशन के जगह पर इतने कैपेसिटर जो इस तरह से कनेक्टेड है, इसके जगह पे भाई आप एक ही कैपेसिटर रख दीजिए 10/3 माइक्रोफराड कैपेसिटी का, ये कैपेसिटेंस का, तो मेरा सिचुएशन सेम रहेगा। मतलब ये पॉइंट एक्स है, अब इसके अक्रॉस हम एक ही कैपेसिटर रख दिए हैं 10/3 माइक्रोफराड का, क्लियर है, ये पॉइंट वाई है, क्लियर है स्टूडेंट, और इसके क्रॉस इस तरह से ये बैटरी कनेक्टेड है, ये बैटरी कनेक्टेड है 50 वोल्ट का, ये बैटरी कनेक्टेड है, ये ए है, ये बी है, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए ठीक है, अच्छा यहां पर अगर आप ध्यान दीजिए तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस केस में कितना होगा, जब स्विच को क्लोज कर दिए, ध्यान दीजिएगा, जब स्विच को आपने क्लोज कर दिया मतलब आपने इसे क्या किया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया मतलब कि अब क्या है, ये आपका इन इफेक्टिव हो गया, आप इसको हटा सकते हैं, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, अगर ये पॉइंट पी है तो ये भी पॉइंट पी है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, मतलब आप इसको हटा सकते हैं, कहने का ये मतलब है शॉर्ट सर्किट कर दिए, मतलब कि ये जो सर्किट है ना, ये सर्किट इसको सिंपली हम लोग इस तरह से रीड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट। ये आपका 5 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है, ये 5 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है, क्लियर है, ये वाला, ये दोनों कैपेसिटर हो गया, और ये सिंपली शॉर्ट सर्किट है, मतलब अब यहां से ये ऐसे हो गया और इसके क्रॉस ये 50 वोल्ट वाला बैटरी कनेक्टेड है, क्लियर है स्टूडेंट, 50 वोल्ट का ये बैटरी कनेक्टेड है, सेम सिचुएशन, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिए। तो ध्यान दीजिएगा, अब इस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो रहा है स्टूडेंट, भाई 5 + 5, ये दोनों पैरेलल में है, तो 10 माइक्रोफराड। चलिए अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये ए है, ये बी है, अब यहां से बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि चार्ज तो फ्लो करेगा, कैसे, समझिए, अभी क्या था कि इस बैटरी के क्रॉस कितना कैपेसिटी का कैपेसिटर कनेक्टेड था, 10/3 माइक्रोफराड का कैपेसिटी का, 10/3 माइक्रोफराड। अब इस ऐसा शॉर्ट सर्किट करने के बाद इस बैटरी के क्रॉस कितना कैपेसिटी का कैपेसिटर है, 10 माइक्रोफराड, मतलब अब ज्यादा कैपेसिटी वाला कैपेसिटर कनेक्टेड है, मतलब ये सिचुएशन ऐसा हो गया कि अब यहाँ पे अब ये 10 माइक्रोफराड वाला कैपेसिटी अब कनेक्ट हम कर दिए इस बैटरी के क्रॉस, शुरू में कितना था, बाद में हो गया 10 माइक्रोफराड, शुरू में 10/3 माइक्रोफराड, भाई आपने कैपेसिटी को बढ़ा दिया, अब ज्यादा कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर आप लगा दिए इस बैटरी के क्रॉस, इस सोर्स के क्रॉस, तो ऑब्वियस है ज्यादा कैपेसिटेंस है मतलब ये ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, तो शुरू में ये कम कैपेसिटी वाला कैपेसिटर है, तो ये जो भी चार्ज सप्लाई किया होगा, इस पे जो भी चार्ज किया होगा, अब इसके जगह पे हटा के हम 10 माइक्रोफराड का कैपेसिटर लगा दिए, तो ऑब्वियस है जब हायर कैपेसिटी का कैपेसिटर लगा दिए तो अब वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, तो इसको और चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर बात है, कहने का मतलब यह है कि चार्ज फ्लो करेगा ए बी से, क्लियर है। तो यहां से ये तो क्लियर होगा कि चार्ज फ्लो करेगा, कितना चार्ज फ्लो करेगा ये हम लोगों को निकालना है, और साथ ही साथ जब निकालेंगे तो आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि कैसे चार्ज का फ्लो होगा, देखते हैं स्टूडेंट। अब यहां पे थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं कि अभी पहले वाले कंडीशन में कितना चार्ज फ्लो हुआ, बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं भाई कितना चार्ज फ्लो, हम मान लेते हैं ये इनिशियल कंडीशन है, तो इसको हम लोग क्यू आई लिख देते हैं,
इनिशियल चार्ज, ध्यान दीजिएगा। तो ये QI का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं भाई, 10/3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है 50 वोल्ट इसके क्रॉस, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 50 वोल्ट, तो कितना चार्ज होगा Q=CV से, C है 10/3 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50, तो ये हो जाएगा 500/3, ध्यान दीजिएगा ये होगा माइक्रोकुलम, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग यूनिट माइक्रोफैराड यूज कर रहे हैं, क्लियर है। तो ये हो गया माइक्रोकुलम चार्ज। तो इनिशियल इतना चार्ज फ्लो किया पहले वाले कंडीशन में जब स्विच ओपन है, यहाँ से मतलब ये QI ये चार्ज फ्लो किया, QI कितना 500/3 माइक्रोकुलम का, चलिए ठीक है। अच्छा इस कंडीशन में जब क्लोज कर दिए तब कितना चार्ज फ्लो करेगा, इसको मान लिया QF लिख देते हैं, फाइनल जो चार्ज फ्लो किया, ठीक है। तो QF का देखिए वैल्यू बहुत आसानी से भाई फिर से निकाल सकते हैं, QF का वैल्यू डायरेक्टली 10 माइक्रोफैराड, तो सी भी तो कैपेसिटी हो गया 10 माइक्रोफैराड, पोटेंशियल डिफरेंस 50, तो 500 माइक्रोकुलम। तो भाई बहुत ही आसान है, क्लियर है कि शुरू में कितना चार्ज फ्लो हुआ 500/3। अब बाद में इसको कितना चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा, जब कैपेसिटी हो गया 10 माइक्रोफैराड, जब हम इसको क्लोज कर दिए, जब ये इनइफेक्टिव हो गया, तो उस समय कितना चार्ज सप्लाई इससे होगा 500 माइक्रोकुलम। तो भाई 500/3 माइक्रोकुलम तो पहले ही ये सप्लाई कर चुका है, बाद में इसको फाइनली बाद में करना है 500 माइक्रोकुलम, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, दिस 500 - 500 - 3, इतना इसको माइनस कर देंगे। अच्छा इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बहुत से स्टूडेंट्स को, इसको आप थोड़ा और डिटेल में भी समझ सकते हैं भाई, एक्चुअल में क्या हुआ होगा, ये जो 500/3 माइक्रोकुलम जो चार्ज इसने सप्लाई किया जब ये सिचुएशन था, स्विच ओपन था, मतलब यहाँ से 500/3 माइक्रोकुलम ये चार्ज सप्लाई हुआ, क्या हुआ होगा, हुआ क्या होगा, ये चार्ज जब यहाँ से सप्लाई हुआ तो भाई ये सेम कैपेसिटी का कैपेसिटर है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, तो यहाँ पे आ गया होगा 500/3 का हाफ कर दीजिए, मतलब ये हो गया होगा यहाँ पे 500/6, समझ रहे हैं, इसका हाफ चार्ज इधर गया होगा और हाफ चार्ज 500/6 माइक्रोकुलम इधर गया होगा, माइक्रोकुलम, क्लियर है। और ये दोनों फिर से यहाँ पर मिलके और फाइनली इस कैपेसिटर से टोटल 500/3 माइक्रोकुलम चार्ज गया होगा, क्लियर है ना सिचुएशन, चलिए ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ होगा, ये चार्ज आपने जो निकाला 500 माइक्रोकुलम, ये क्या हुआ होगा, अब यहाँ से निकला ये 500 माइक्रोकुलम, QF का जो वैल्यू है, क्लियर है ना, ये 500 माइक्रोकुलम अब ये यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, तो 250 इस तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि शुरू में ये जो चार्ज है ये तो कैपेसिटर आपका हट गया, ये कैपेसिटर आपका हट गया है, तो शुरू में ऑलरेडी ये दोनों को मिला के भाई 500/3 इतना चार्ज जो है 500/3 ये तो ऑलरेडी इसके पास है, ठीक है ना। अब इसको जैसे ही ये कैपेसिटर हटाएं, शॉर्ट सर्किट जैसे ही किए, कैपेसिटी बढ़ गया, नेट कैपेसिटी बढ़ गया, अब उस केस में कितना इसको चार्ज सप्लाई करना है 500 माइक्रोकुलम, क्लियर है। तो इतना ऑलरेडी है, ये सप्लाई कर चुका है 500/3, ये दोनों को मिलाएंगे तो 500/3 इतना सप्लाई कर चुका है, तो नेट जो चार्ज जो फ्लो करेगा, नेट चार्ज जो AB ये वाला जो सेक्शन है इससे जो फ्लो करेगा, या फिर कहें कि एडिशनल या एक्स्ट्रा चार्ज जो सप्लाई होगा बैटरी से, एक ही बात है, वो कितना होगा भाई, तो वो होगा 500 - 500/3, इतना पहले कर चुका है, ठीक है। तो इसको माइनस कर देंगे तो अब जो नेट बचेगा इतना चार्ज इसको सप्लाई करना होगा, क्लियर है। और ये हो जाएगा 1500 - 500 1000/3, और स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं तो ये लगभग आपका आता है 3.3 × 10⁻⁴ कूलम, ध्यान दीजिएगा ये माइक्रो कूलम में है, ये माइक्रो कूलम में है, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आता है।